साथियों, यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट कमिश्नर जिद राद अल हुसैन, जो कि खुद एक इस्लामिक कट्टरपंथी है, उस इस्लामिक कट्टरपंथी ने भारत के अभिन्न अंग कश्मीर के ऊपर एक झूठी और गुमराह करने वाली रिपोर्ट पेश की है। उस रिपोर्ट का आज हम पर्दाफाश करेंगे और अब ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से एक कट्टरपंथी यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट कमिश्नर की चेयरमैनशिप पे बैठा हुआ है और कैसे वो वहां बैठ के झूठ बोलने का काम कर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं किस तरीके से ये कट्टरपंथी है। इसने एक एलेक्स कॉम्पास नाम का एक आदमी था जो इसके अंडर में ही काम करता था, राद अल हुसैन के अंडर में। तो उस एलेक्स कॉम्पास नाम के आदमी ने एक रिपोर्ट दी जिसके अंदर सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक CAR के अंदर जो बच्चों के साथ सेक्स अब्यूज किया गया था उसके खिलाफ उसने आवाज उठाई थी एलेक्स कॉम्पास ने इंसानियत के तौर पे। लेकिन इस राद अल हुसैन ने क्या किया, राद अल हुसैन ने उसी एलेक्स कॉम्पास के खिलाफ कार्रवाई कर दी जो एलेक्स कॉम्पास बच्चों के लिए आवाज उठा रहा था, पहली चीज। दूसरी चीज, जब ये राद अल हुसैन जो जॉर्डन की तरफ से एम्बेसडर था यूनाइटेड नेशन के अंदर तो बार बार इसने एक चीज पेश की वहां पे, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज थे वो बार बार एक लॉ पेश कर रहे थे जिस लॉ के तहत अगर कोई भी किसी धर्म पे कोई सवाल उठाता है, कोई इस्लाम पे अगर कोई सवाल उठाता है, कोई क्वेश्चन करता है उसके बारे में, कोई भी एक सार्थक तौर पे भी उस पे कोई क्वेश्चन करता है तो उसको सजा देने का प्रावधान था। एक ऐसा OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने एक लॉ प्रेजेंट किया यूनाइटेड नेशन के अंदर। तो ये राद अल हुसैन उस लॉ का समर्थन करता हुआ दिख रहा था, यानी कोई भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ये समर्थक नहीं था उस समय। एक जो सार्थक जो बहस होनी चाहिए किसी भी धर्म के ऊपर हो सकती है वो सार्थक बहस, उसका ये सख्त विरोधी था उस समय सार्थक बहस का भी। तीसरी चीज, उज्बेकिस्तान के अंदर अब जो आतंकियों के खिलाफ अभियान चलाया गया उस अभियान में आतंकवादियों को निशाना बना रही थी उज्बेकिस्तान की फौज, तो ये कहता है राद अल हुसैन वहां जाके कि इनको निशाना ना बनाया जाए। अब सवाल यह उठता है क्या वो सिर्फ इसलिए मना कर रहा था उनको निशाना बनाने से क्योंकि एक वो विशेष धर्म के थे वो आतंकवादी। चौथी चीज, ये बार बार रोहिंग्याओं के इशू पे, रोहिंग्याओं के इशू पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, सोवरेन गवर्नमेंट के ऊपर ये सवाल उठा रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल अब यूनाइटेड नेशन के ऊपर ये उठता है कि भाई ये मुस्लिम्स की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव है UN के अंदर या ये UN का रिप्रेजेंटेटिव है जो इंसानियत की बात करना चाहता है। ये इंसानियत का रिप्रेजेंटेटिव UN के अंदर नजर नहीं आता है, इसके काम दिखाते हैं कि ये तो अरब देशों का रिप्रेजेंटेटिव बनके वहां पे बैठा हुआ है। ये यूनाइटेड नेशन जिसका 60% जो बजट आता है ये अरब कंट्री देते हैं तो ये अरब की ही भाषा बोलता है। यूनाइटेड नेशन के ह्यूमन राइट्स के अंदर में जो बड़ी बड़ी पोस्ट है, जो वुमेन एम्पावरमेंट की पोस्ट है, वो सऊदी अरेबिया जैसे मुल्क के पास है जहां वुमेन्स के पास कोई अधिकार नहीं है। तो वो वुमेन एम्पावरमेंट क्या करेंगे जहां ह्यूमन राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है, उनको अगर आप ह्यूमन राइट्स की चेयर पे उन कंट्रीज के लोगों को बैठाएंगे तो क्या संदेश जा रहा है। इसीलिए UN ने अपनी सारी रेलिवेंस खो दी है। और इसमें एक बात हमें देखने की और ये है कि जो ये रिपोर्ट पेश की गई रिपोर्ट झूठ से भरी हुई है, झूठ का पुलिंदा है। आपको पहला उदाहरण देता हूं, इस रिपोर्ट में जो सिक्योरिटी काउंसिल ने जिन लोगों को आतंकवादी घोषित कर रखा है, जिन लोगों को ग्लोबल आतंकवादी घोषित कर रखा है, लश्कर ए तैयबा आतंकवादी संगठन के चीफ को जिसको ग्लोबल आतंकी घोषित कर रखा है, ये राद अल हुसैन उस रिपोर्ट में उस आदमी को कहता है कि एक वो हथियारबंद लड़ाका कहता है उसको, आर्म्ड मैन कहता है उसको ये। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सिक्योरिटी काउंसिल, जिस सिक्योरिटी काउंसिल ने जिस आदमी को आतंकवादी घोषित कर रखा है उसी आदमी को यूनाइटेड नेशन का एक आदमी उसको कहता है कि वो हथियारबंद आदमी है, तो क्या ये यूनाइटेड नेशन का मजाक नहीं उड़ रहा है क्या। तो पहली चीज, उस रिपोर्ट में ये गलत पेश की गई, जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट था उसको हथियारबंद आदमी वो कह रहा है, जो सिक्योरिटी काउंसिल ने जिसको आतंकवादी घोषित किया उसको कह रहा है कि वो एक हथियारबंद आदमी है। दूसरी चीज, इस रिपोर्ट में ये झूठ पेश किया गया कि ये कहा गया कि भाई भारत ने एक ऐसी संधि पे हस्ताक्षर कर रखे हैं जिसमें डिसअपीयरेंस कोई होगी या कोई टॉर्चर होगा तो उस पे एक संधि है उस पे हस्ताक्षर कर रखे हैं, ये इस रिपोर्ट में कहा गया। लेकिन वास्तविकता ये है कि भारत ने उस संधि पर हस्ताक्षर नहीं कर रखे हैं। तीसरी चीज हमें समझने की ये है, ये बार बार बात करें सेल्फ डिटर्मिनेशन की है, वोटिंग की बात की इसने कश्मीर के अंदर, तो इसको ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग हमेशा से रहा है। और इसको ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो UN का भी एक्ट है वो एक्ट कहता है कि वोटिंग से पहले पाकिस्तान अपनी पूरी फौज हटाए POK के अंदर से और भारत को एक मिनिमम फौज रखने की इजाजत होगी वहां पे पूरी चीजों को कोऑर्डिनेट करने की और पूरी चीजों को गवर्न करने की। पहला चीज ये है। तो आज तक पाकिस्तान ने POK से कभी अपनी फौज हटाई नहीं, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता वोटिंग का। तो
दूसरी चीज हमें समझने की ये है कि उसमें ये कहा गया है कि भाई एक्चुअल कश्मीरी उसके अंदर वोट डालेंगे, लेकिन एक्चुअल कश्मीरी तो वहां पे बहुत कम बचे हैं। जो भारत प्रस्त, जो भारत से मोहब्बत करने वाले जो हिंदू और जो मुस्लिम थे वहां पे घाटी के अंदर, उनको आतंकियों द्वारा लगातार 30 साल से निशाना बनाया जा रहा है, तो वे बेचारे डर के मारे पलायन कर रहे हैं। तो उस तरफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से हजारों कश्मीरी लोगों को मार दिया गया और रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मुल्तान से कहीं कहीं से और जगह से लाके कट्टरपंथी वहां पे लाके बसा दिए गए। तो रियल कश्मीरी तो बहुत कम बचे हैं। जो रियल कश्मीरी है वो तो आतंकियों के डर से चाहे तो पलायन कर गए हैं या उनको आतंकियों ने मार दिया है। तो इसने एक पूरा गलत ये पेश किया। पहली बात ये इसमें ध्यान रखने योग्य ये है कि इस तरीके के झूठे आंकड़े यूनाइटेड नेशन जैसी संस्था द्वारा पेश किया जाना बहुत ही अधिक शर्मनाक है, और ये जो यूनाइटेड नेशन की थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी बची हुई हुई है उस क्रेडिबिलिटी को भी ये खत्म कर देगा। और जो सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो बात की जा रही है, राद अल हुसैन को ये पहले जान लेना चाहिए, ये पहले इसको समझ लेना चाहिए कि जो यूएन के जो एक्ट था उसका सबसे बड़ा उल्लंघन तो पाकिस्तान कर रहा है इस समय, तो ये जो ये वोटिंग का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो आज हमने आपको बताया कि किस तरीके से एक कट्टरपंथी, एक इस्लामिक कट्टरपंथी, एक यूनाइटेड नेशन की एक बड़ी संस्था का हेड बनके किस तरीके से कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहा है, और वो इंसानियत का रिप्रेजेंटेटिव ना लग के वो किसी एक धर्म विशेष का रिप्रेजेंटेटिव लग रहा है। शुक्रिया। जय हिंद।